एक बार फिर स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। आज मैं फिर एक नया जॉब अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें आज मैं आरके ग्रुप, आप देख पाएंगे ये आरके ग्रुप के बारे में बताऊंगा। मैं आरके ग्रुप का जो भी आरकेसी ये हमारा है, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है इसके बारे में बताऊंगा। आरके मतलब प्राइवेट लिमिटेड में है, तो इसमें वैकेंसी निकली हुई है। ये एक्चुअली जो भी इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया एक्चुअली रोड एंड हाईवे, आपको लिखा हुआ रोड एंड हाईवे मेनली। जो आपके पास अगर आरके ग्रुप में अप्लाई करना है तो उसके लिए इन लोगों ने कंपलसरी तो नहीं बोला, बट इन्होंने लिखा हुआ है प्रिफेयर, यदि इनको जो भी रोड एंड हाईवे में एक्सपीरियंस है उसमें अप्लाई करेंगे तो उसको पहला चांस उनको वही देना ना, जो भी रोड एंड हाईवे यानी सेम एक्सपीरियंस का बंदा और इनको मिलेगा। जो इनका जो चल रहा है लेडी रोड एंड हाईवे में काम चल रहा है, तो ये लोग ढूंढ रहा है कि रोड एंड हाईवे का अगर कोई भी कैंडिडेट मिलेंगे तो उसके हिसाब से उनको पहले प्रिपेयर लेंगे। बाकी अदर सेक्टर से बिल्डिंग है, अदर जो भी है थर्मल पावर प्लांट सोलर प्लांट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करिए। इसमें हो सकता है आप लोग शॉर्ट लिस्ट का वहाँ से आपको बुलाएंगे। तो जॉब लोकेशन इन लोगों ने लिख दिया हुआ है, जो भी है दादर नगर हवेली है यहाँ पे लिखा हुआ, मैंशन कर दिया इन लोगों ने जॉब लोकेशन। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इन्होंने सीनियर इंजीनियर एंड हाईवे इंजीनियर कहाँ पर पोस्ट दिया हुआ, इसमें दो पोस्ट एक्सेल हुआ। इससे एक्सपीरियंस मांग रहा है 3 से 8 ईयर और बीटेक एंड डिप्लोमा सिविल से अगर किया आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है सीनियर इंजीनियर एंड इंजीनियर स्ट्रक्चर, इनका हाईवे के लिए और स्ट्रक्चर के लिए दोनों के लिए मांगा रखा। सेम एक्सपीरियंस इन दोनों दे रहा 3 से 8 ईयर और बीटेक एंड डिप्लोमा, अगर दोनों में से कुछ भी किया तो अप्लाई कर सकते। सेम यहाँ पे भी है सीनियर इंजीनियर इंजीनियर प्लानिंग एंड क्वांटिटी सर्वे एंड बिलिंग, इसकी वैकेंसी और सेम एक्सपीरियंस मांग रहा है इन लोगों भी, और बीटेक एंड डिप्लोमा जो भी किया है अप्लाई कर सकते। कभी कभी क्या होता है मैक्सिमम डिप्लोमा को वहाँ पे नहीं दिया जाता है, अपनी डिप्लोमा को दिया जाएगा तो बीटेक को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी चांस होता है ये चीज़ें देख के अप्लाई करते हैं, क्या होता है लोग अप्लाई करते रहते हैं और ये चीज़ गौर नहीं करते, क्या होता है वहाँ पे चांस रहता है कम शॉर्ट लिस्ट होने का। लेकिन अगर इसमें दोनों दिया हुआ तो शॉर्ट लिस्ट होने का चांस मैक्सिमम रहता है। सेम ऐसे नीचे पोस्ट की बात करें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट की बात करें तो 2 से 7 ईयर के बीच में एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर में किया है आप। सेम इधर LLB फ्रेशर के लिए उन्होंने 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है, यानी अगर आप प्रेसर है तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर अपना आपके पास अगर डिग्री है तो वहाँ से जो भी क्वालिफिकेशन है वहाँ से अप्लाई। जैसे अकाउंटेंट का भी इन लोगों ने सर BCom एंड टैली मांग रखा है, 4 एडमिन 90 फ्रेशर, ये दोनों फ्रेशर के लिए एक्चुअली बोल रखा है IT और LLB के लिए। इसमें अगर आप इसमें फ्रेशर है तो अप्लाई कर सकते हैं, IT में एनी ग्रेजुएशन यानी कुछ भी किया आपने तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं इसमें कोई भी, आप बस ओनली आपके पास अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कुछ बात नहीं है। और इन्होंने मेल आईडी दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, मैं लिखा हूँ इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस पर अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए और जब भी आप रिज्यूम सेंड करें उसमें जॉब प्रोफाइल लिखा है, सब्जेक्ट में आपको जो भी जॉब प्रोफाइल है वो आपको मैंसन करना होता है। आप डायरेक्टली क्या करते हैं रिज्यूम सेंड कर देते हैं उसमें बस सीवी लिख देते हैं, ऐसा तो कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखने का, उस पर लिखने का अप्लाई फॉर दिस पोजिशन चाहे अप्लाई फॉर दिस डिजिग्नेशन या दिस प्रोफाइल, जो भी आपको उसमें कुछ ऐसा सटीक लिखना है कि तुरंत अपने जैसे वो HR हमारा ईमेल आई डी खोले तो आपका हिट करें किस पोस्ट के लिए, उसको किस पोस्ट की तलाश है, क्या ढूंढना है, वो कैसा नहीं ढूंढना है, क्या आपके पास तो आपका रिज्यूम खोल के वो नहीं चेक कर सकता कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उसमें देखते हैं उसको हिट होना चाहिए, हमारा अप्लाई फॉर पोजिशन सीनियर इंजीनियर, वो ढूंढ क्या रहा है सीनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर, तो क्या तुरंत वो अप्लाई कर लेगा और आपको इजीली शॉर्ट लिस्ट कर लेगा, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करने का और देखना है ऐसा। इसलिए जब भी आप सब्जेक्ट में मेंशन करें और 2-3 लाइन नीचे लिख दें फ्रेंड ईयर सर दिस फाइंड माई रिज्यूम एंड एक्सपीरियंस टोटल डिफरेंस, ऐसा एक जस्ट शॉर्ट फॉर्म में 2 लाइन 3 लाइन का बना के उसमें सब्जेक्ट के नीचे डाल दें ताकि वो एक लाइन में हिट हो जाए पूरी चीज़ें, जिससे आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। आप भी जरूर करें, बहुत लोगों में देखता हूँ जॉब प्रोफाइल में राइटली CV अपना नाम ऐसा रिज्यूम ऐसा करके सब्जेक्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट में ऐसा कभी नहीं लिखने का, उसमें पूरा लिखिए अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, अप्लाई फॉर जो भी आप जो भी एप्लीकेशन फॉर दिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ मेंशन करना है जो भी आपको अच्छा लगे उसमें, लेकिन सब्जेक्ट में मेंशन करना कि कौन सी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा आप डायरेक्टली नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से, आप डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे उसमें कुछ चेंज करेंगे उससे क्या शॉर्ट लिस्ट होने के चांस ज़्यादा। तो यार दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा और कंटिन्यूस आपको जॉब से रिलेटेड वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं कंटिन्यूस इसमें वीडियो अपडेट करता हूँ, कंटिन्यूस में एक वीडियो एटलीस्ट डालता ही डालता हूँ जॉब से रिलेटेड, इसमें कोई भी कंपनी के जॉब रहती है वहाँ से डालता हूँ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।